राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नहीं तेजुची राजनीति। बीजेपी को टारगेट कले शरद, कहले कांग्रेस शिलान्यास कला श्रेय बीजेपी। वर्तमान समग्र देश राममय। 22 जनवरी आउ किसी दिन बाकी अच्छी, समस्ते ऐतिहासिक मुहूर्त साक्षी होगा अपेक्षा कर। अयोध्या रामलला प्राण प्रतिष्ठा प्रस्तुति चली, केवल भारत नुह विदेश में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नहीं लोकों मध्य उत्साह रही। प्रसंग में अनेक राजनीति चली। प्रसंग में बीजेपी और विरोधी दल परस्पर विरोध में तीव्र बृत्ति दे। विरोधी दल अभियोग कर राम बीजेपी राजनीति करजेपी प्रभु राम को अपहरण कर। कई कई कहते जे लोकसभा निर्वाचन बीजेपी राम को व्यवहार करदिनटी दूर से ना जितेबाला बीजेपी प्रभु राम को अयोध्या प्रार्थी घोषणा कर। अनेक लोकसभा निर्वाचन तरबरिया भाव राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कर प्रश्न उठाई। वर्तमान एनसीपी सभापति शरद पवार बीजेपी को राम मंदिर श्रेय ने अभियोग कर। कर्णाटक बेलगाम स्थित निपाणी तालुकारी शरद पवार कहते पूर्वतन प्रधानमंत्री राजीव गांधी विवादियों परिसर में ताला खोली एठारे मंदिर निर्माण पर रास्ता खोली, किंतु बीजेपी एथिपाई संपूर्ण श्रेय ने। पवार कहते जदि आम राम मंदिर इतिहास को देखा, जितेबले बाबरी मस्जिद भांगिवा मंदिर निर्माण करिवार विचार करागला, सेतेबले राजीव गांधी प्रधानमंत्री थिले। राजीव गांधी कार्यकाल मध्य मंदिर भित्तिप्रस्तर स्थापन करापर किसी लोक कोर्ट को जाते और कोर्ट मंदिर निर्माण पर अनुमति देते, जहाँपर मंदिर निर्माण कार्य आरंभ होता। शरद पवार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में साधारण संपादक चंपत राय को एक चिठी लिखिंट, जो जोथे समारोह को निमंत्रण कर कृतज्ञता जन चिठी से कहते जिते जनवरी 22 में प्राण प्रतिष्ठा समाप्त होबे आम प्रभु राम को देखापी जीवु, से राम मंदिर निर्माण कार्य शेष हो सारी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समस्त दल मुख्य निकट को निमंत्रण पत्र पठाई। लालू यादव, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, मायावती, खरगे समेत समस्त दल सभापति को डक जो कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा अंशग्रहण करने को मना कर।